Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय समाज में उत्पन्न हुए एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने न सिर्फ समाज के सबसे वंचित तबकों के लिए काम किया उनके उत्थान के लिए काम किया बल्कि उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज को और एक स्तर पर वैश्विक समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव और महिलाओं की बुरी स्थिति के खिलाफ लगातार लेखन किया और अपने लेखन के माध्यम से अपने एक्टिविज्म के माध्यम से अपनी राजनीति के माध्यम से उन्होंने देश की राजनीति को देश में मौजूद जाति व्यवस्था के विखंडन की दिशा में प्रयास को एक नई दिशा प्रदान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम इस पूरी श्रृंखला में दो एपिसोड्स में बात करेंगे आज का यह एपिसोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पहला एपिसोड है और इसमें हम मुख्य रूप से उनके जीवन और उनके कार्यों के बारे में बातचीत करेंगे यानी कि हम उनकी जीवनी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उनके जीवन में जो मुख्य घटनाएं हुई उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद इसी अंक में हम जाति के बारे में जो उन्होंने अपना लेखन किया उसके कुछ प्रमुख तत्वों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो दूसरा एपिसोड होगा उसमें हम मुख्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता का विचार है या फिर स्त्रियों की भलाई के बारे में या स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो उन्होंने चिंतन किया या फिर जो उनका आर्थिक विचार है या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जो उनका विचार है जो विकास को के बारे में उनका मॉडल है उन सब पहलुओं की अलग से चर्चा करेंगे तो आज का की जो हमारी पूरी चर्चा है उसकी एक रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ सबसे पहले हम अंबेडकर की आरंभिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो उन्होंने स्नातकोत्तर का अध्ययन किया फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए दलितों की भलाई के लिए जिन्होंने लगातार काम किया और इस दौरान जो पूना पैक्ट के रूप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ उन सब चीज़ों के बारे में हम एक जायज़ा लेंगे उन घटनाओं से हम गुजरेंगे और दूसरे स्तर पर संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो उन्होंने भूमिका निभाई या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में जो उनकी राजनीति रही उन सब पहलुओं पर हम ध्यान देंगे और आखिर में हम विस्तार से यह समझने की कोशिश करेंगे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट या जाति के उन्मूलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे आ, एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट करूंगा कि कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भीमराव अंबेडकर लिखा जाता है मराठी भाषा के साहित्य में अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया जाता है इस पूरी चर्चा में मैंने अंबेडकर स्लाइड्स पे लिखा है और मैं वही बोलूँगा लेकिन अंबेडकर शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों ही uh, शब्द प्रयोग में आते हैं uh, एक रूपता के लिए मैंने आम्बेडकर शब्द का इस्तेमाल किया है आम्बेडकर का जन्म चौदह अप्रैल अठारह को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था वे रामजी मालोजी सकपाल भी और भीमा भाई के चौदहवीं संतान थे और उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आम्बडवी आम गांव के निवासी थे वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत रहे थे उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी तब वे पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहे थे उल्लेखनीय है कि अंबेडकर की पहली पत्नी का निधन यानी रमाबाई जी का निधन 1935 में हो गया इसके बाद 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरा विवाह किया जिन्होंने बाद में सविता अम्बेडकर नाम अपना लिया अंबेडकर ने सातारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल जिसे अब प्रताप सिंह हाई स्कूल कहा जाता है वहाँ से सात नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ इसलिए सात नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे उनके पिता का 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे अध्ययन करने के लिए गए 1913 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका वे चले गए उन्होंने सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हासिल की जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर यानी एम परीक्षा पास की जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र इतिहास दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान या अन्य विषय थे उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंसेंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया अंबेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से काफ़ी प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने अपने दूसरे शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर डिग्री पाई और अंततः उन्होंने लंदन की राह राह ली तीन वर्ष तक की अवधि के लिए मिली छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल दो वर्ष में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए लंदन में उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टर्स थीसिस पर काम करना शुरू किया जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आना पड़ा क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी उन्हें चार साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में उन्हें फिर से अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा इसमें इससे अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया जो उनके सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब उच्च शिक्षा हासिल करके भी भारत आते हैं तब भी आ, उन्हें अस्पृश्यता का छुआछूत का सामना करना पड़ता है और इन सब घटनाओं से और बचपन की कई घटनाओं से भी उनके मन में जाति व्यवस्था का जो दंश था वो गहरे स्तर पर बैठा हुआ था और वो लगातार इस बात को महसूस करते रहे कि भारतीय समाज में जो जाति है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और कोई व्यक्ति कितना भी योग्य हो वो कितना भी अध्ययन कर ले वो कितनी भी पढ़ाई कर ले कितनी भी ऊंची डिग्री हासिल कर ले अगर उसकी जाति कमतर है निम्न है अगर वह अछूत जाति से है तो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और यही वो चीज़ है जिसने अंबेडकर को एक बड़ी राजनीति की ओर आगे बढ़ाया जहां उन्होंने इस बात को गहरे स्तर पर समझा कि अगर समाज को बदलना है और अगर वंचित तबकों को अच्छी स्थिति में पहुँचाना है तो उसका माध्यम यही है कि उनके लिए राजनीतिक सत्ता हासिल की जाए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और फिर वो आगे बढ़ते हैं अगर हम उनके जीवन पर एक बार फिर से वापस जाएं तो जब वो वापस आते हैं और वो अपना काम शुरू करते हैं और विफल रहते हैं तब उनके एक अंग्रेज़ जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के एक के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल जाती है उन्नीस में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वे एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए 1922 में उन्हें ग्रेज इन ने बैरिस्टर इन लॉज एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की उनके थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पर थी और आ, लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत लौटते हुए भीमराव अंबेडकर तीन महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्ट्रेट्स एल एल डी कोलम्बिया विश्वविद्यालय उन्नीस और डिलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय उन्नीस से की सम्मानित उपाधियों के रूप में थी उन्होंने दलितों की भलाई के लिए लगातार काम किया भारत लौटने के बाद वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए उन्होंने अछूतों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया वे संगठन बनाकर आंदोलन चलाकर और ब्रिटिश सरकार से लगातार जिरह और संवाद करके दलितों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहे भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ ब्रो समिति ने अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया इस सुनवाई के दौरान आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की और हम ये देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय था जिस पर अंबेडकर अपने जीवन में लगातार लगे रहें आ, उन्हें पृथक निर्वाचिका मिली भी 1932 में लेकिन पूर्णा पैक्ट के कारण उसे छोड़ना पड़ा लेकिन इसका एक दुख उनके बाद के जीवन में भी रहा और उन्होंने लगातार इस बात के लिए गांधी की और कांग्रेस की आलोचना की पृथक निर्वाचिका का मतलब है कि जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक मतदाता मंडल वैसे ही दलितों के लिए पृथक मतदाता मंडल जिसमें दलित ही वोटर होंगे और जो उम्मीदवार होंगे वो भी दलित होंगे तो इस लिहाज से ये जो पूरा मतदाता मंडल होता है वो पूरी तरीके से दलितों के मुद्दों पर ही केंद्रित होता क्योंकि जो जीतने वाले हैं उन्हें दलितों का वोट चाहिए था तो यह माना जाता था कि इस तरीके का जो मतदाता मंडल है वह ज़्यादा मजबूती से एक अल्पसंख्यक समुदाय या एक वंचित समुदाय के हितों को सुरक्षित रख सकता है तो इस बात की वो लगातार शुरुआत से ही तरफदारी कर रहे थे और उन्हें दलितों की स्थिति को बेहतर बनाने के संदर्भ में एक बेहतर उपाय लगा था कि उन्हें एक पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाए 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मुख नायक के प्रकाशन की शुरुआत की आंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि या कानून का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था इसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक बहिष्कृत भारत समता प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पांच पत्रिकाएं निकाली और वो खुद को कबीर से लेकर और विशेष रूप से ज्योतिबा फुले से प्रभावित मानते थे और उन्हें यह लगता था कि जिस धारा में ज्योति का जिस धारा का ज्योतिबा फुले प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे वे भी उसी धारा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उन्हें अपने एक तरह से गुरु की भी संज्ञा दी और उसी हिसाब से वो जाति के प्रश्न को और गहराई से पड़ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने जो जाति व्यवस्था थी उसमें जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था उसका विरोध करना आरंभ किया अगर हम उनके जीवन की घटनाओं पर आगे बढ़ें तो सन उन्नीस में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया इस आयोग के विरोध में भारत भर में प्रदर्शन हुए जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी द्वितीय आंग मराठा के अंतर्गत एक जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने पेशवा की सेना को हराया था इसके सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया और उसके बाद से यह समारोह हर वर्ष आयोजित होता है कई बार विवादित भी रहता है लेकिन इसे उन्होंने पिछड़ी या दलित जातियों अछूत जातियों के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ युद्ध बताया जिसमें कि कम संख्या में होने के बावजूद महार सैनिकों ने पेशवा की सेना को हरा दिया था महार सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिला लेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों सत्याग्रहों जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के लिए आंदोलन किया साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया यह वह दौर था जब अंबेडकर का सत्याग्रह पर तो भरोसा था ही अपने तरीके से सत्याग्रह को परिभाषित करते थे और उसके पहलुओं पर हम आगे विचार करेंगे लेकिन उनका भरोसा इस बात पर भी था कि हिंदू धर्म के भीतर सुधार करके और उन पर दबाव डालकर मंदिरों में प्रवेश करने का आंदोलन चलाकर जो जल स्रोत था वहाँ से अन्य जातियों की तरह ही अछूतों को भी पानी लेने का अधिकार दिलाकर वे एक बेहतर सामाजिक परिवर्तन का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं तो वो इन सब पहलुओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उन्हें इसकी निरर्थकता का भी एहसास होता गया और उन्हें यह लगा कि जो आ, उच्च जाति के हिंदू हैं या जो गैर अछूत हिंदू हैं वो जाति के मसले पर खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं पच्चीस दिसंबर उन्नीस को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और यह एक बहुत ही रेडिकल कदम था इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकर वादियों और हिंदू दलितों द्वारा यह दिन मनाया जाता है 1930 में आम्बेडकर ने तीन महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग पंद्रह हज़ार स्वयंसेवक इकट्ठे हुए जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएँ हुई जुलूस का नेतृत्व तो एक सैन्य बैंड ने किया था स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे जब वे द्वार पर पहुंचे, तो द्वार पर ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया द्वार को बंद कर दिया गया तो ये जितनी भी कोशिशें अंबेडकर ने की वहाँ वे नाकाम रहे और उन्हें ऐसा आगे महसूस हुआ कि इस तरह की कोशिशें बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होने वाली हैं और अम, अम्बेडकर का जो दूसरा एक लक्ष्य था जो कि अब सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था कि संवैधानिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर दलितों को मजबूत अधिकारुना पैक्ट के पहले का जो घटनाक्रम था वह उनके इसी प्रयासों को दिखाता था अंबेडकर ने प्रथम और द्वितीय में सम्मेलन में अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की लेकिन गांधी ने धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल देने का विरोध किया 1932 में जब ब्रिटेन की सरकार ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचक देने की घोषणा की तो आ, आ, गांधी जो थे वो आमरण अनशन पर चले गए इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलितों को दो वोट का अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे वे दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था तो अगर एक दलित व्यक्ति है तो उस दलित व्यक्ति के अनुसार ये जो कॉमनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था उसमें यह प्रावधान था कि एक दलित व्यक्ति के पास दो वोट हैं एक वोट वो देगा ऐसे कैंडिडेट को या ऐसे चुनाव में जहाँ पर सारे उम्मीदवार दलित होंगे और वो दलितों के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो दूसरा वोट था वो सामान्य जो समूह थे उनको उसमें उन दलित शामिल थे यानी कि सामान्य निर्वाचिका जिसमें कि दूसरी जातियों के उम्मीदवार भी खड़े हो सकते थे और दलित भी उसमें एक मतदाता रहते हैं और आ, लेकिन चूँकि गांधी जो कि पूना के येरोडा जेल में थे और जिन्होंने कॉमिनल अवार्ड का विरोध किया और उसे बदलवाने की मांग की और जब उन्हें यह लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी देश में बढ़ते दबाव को देखकर 24 सितंबर उन्नीस को शाम पाँच बजे अंबेडकर यरवड़ा जेल पहुँचें यहाँ गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें यह ध्यान रखनी है कि गांधी का तर्क कि ये जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो हिंदुओं के बीच में एक अस्थाई विभाजन पैदा कर देगा एक हमेशा के लिए एक विभाजन आ जाएगा दलित हमेशा दलित ही बने रहेंगे और जो हिंदू समाज में बराबरी आनी चाहिए जो अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए वो हमेशा के लिए रूढ़ हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने अंबेडकर से यह कहा कि उन्हें वो पाँच साल का वक्त दें और हिंदू जरूर अपने आप को बदलेंगे और वो इसके लिए जमकर प्रयास करेंगे तो इसके बाद ये पुनः पैक्ट हुआ इस समझौते में आम्बेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली अठहत्तर आरक्षित सीटों की बजाय पुना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली और ये आरक्षित सीटों की व्यवस्था वैसी ही है जैसे मौजूदा समय में हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के हिसाब से मिली हुई है यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र जो हैं हमारे देश में वो सुरक्षित माने जाते हैं और सुरक्षित का मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ दलित उम्मीदवार ही खड़े होंगे और वोट लेकिन उनको सबसे लेना होगा और उसके बाद वो जीतेंगे तो ये व्यवस्था उस समय भी की गई और इसके बाद अगर हम देखें कि अंबेडकर राज, के राजनीतिक जीवन को तो इसके विविध आयाम सामने आते हैं यहाँ पर हम पूना पैक्ट की बात को रोक रहे हैं क्योंकि अभी हम अंबेडकर के जीवन की बात कर रहे हैं जब हम जाति के प्रश्न पर विचार करेंगे तो हम कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे जो अंबेडकर ने पुनः पैक्ट और गांधी की आलोचना में कही थी बाद के दौर में हम उनके राजनीतिक जीवन के विविध आयामों पर वापस आते हैं अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए वे 1936 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में तेरह सीटें जीती इसी वर्ष अंबेडकर ने पंद्रह मई उन्नीस को अपनी पुस्तक एनिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की और इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था वह उन्नीस तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की 1942 में क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर गांधी आ, दलितों को हरिजन कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि बाकी लोग हरिजन नहीं हैं बाकी लोग एक तरीके से अम्बेडकर के शब्द में कहें तो शायद शैतान की औलादे हैं आ, या गांधी खुद ऐसे थे अम्बेडकर ने इसकी तीखी आलोचना की क्योंकि मोटे तौर पर हम देखें तो अम्बेडकर का अम्बेडकर का तर्क यह था कि इस तरीके से अगर आप एक समुदाय को हरिजन कहते हैं तो वो उसको अलग से नामित करने की तरह है और ये लगातार जो असमानता है या जो एक आ, अलग मानने की और अछूत मानने की जो प्रवृत्ति है वो उसका स्थायीकरण करता है तो उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की थी 1942 में अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे इस दौरान उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थॉट्स ऑन पाकिस्तान उन्नीस नामक चार पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया और हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जब हम दूसरे एपिसोड में पहुंचेंगे अंबेडकर के बारे में और हम अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के बारे में उनके विचार का परीक्षण करेंगे आ, लेकिन इस किताब में उन्होंने एक तरीके से खाका खींचा कि आखिर पाकिस्तान की मांग कैसे आई और पाकिस्तान आ, जब अगर बनेगा तो वो किस तरीके से उसमें जनसंख्या का आदान प्रदान हो सकता है इस तरह के प्रश्नों को लेकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी ये एक चीज़ हमें यहाँ पर आ, समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आ, जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें सीधे तौर पर भागीदारी नहीं की और वो लगातार एक वैकल्पिक रास्ते से जो भारतीय समाज का सबसे वंचित तबका था उसकी भलाई के लिए काम करते रहें और वो आ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी रहें जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आ, आज़ाद फौज संघर्ष कर रही थी तभी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे लेकिन उनकी इस स्थिति को समझने की ज़रूरत है कि वो यह मानते थे कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दलितों के हितों को आ, साथ पाएंगे उनकी स्थिति को बेहतर बना पाएंगे यदि वो अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं और अगर क्योंकि उनका मानना था कि जो चीज़ें वो दलितों के लिए सुनिश्चित करा पा रहे हैं हो सकता है कि वो चीज़ें उस रूप में ना हो जो वो सीधे तौर पर उनकी खिलाफत करने लगे तो एक लिहाज से वो कभी उस दिशा में गए ही नहीं और उन्होंने लगातार दलित मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और वो महिलाओं के पक्ष में भी लगातार लेखन करते रहे जो दलित महिलाएं थीं और इस रूप में उनकी राजनीति आगे बढ़ी जब देश आज़ाद हुआ संविधान सभा ने अपना काम शुरू उससे पहले ही कर दिया था तो अंबेडकर ने को संविधान सभा में लाया गया और उसमें कांग्रेस के भीतर भी एक सहमति बनी कि अम्बेडकर जैसे जो विद्वान हैं उनको संविधान सभा में होना चाहिए और संविधान सभा में वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बने जिसका काम यह देखना था कि जो सारे के सारे प्रावधान संविधान में आ रहे हैं वो सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और संविधान सभा में उनकी भूमिका अद्भुत रही वो बहुत बार वाद विवाद को एक सूत्र में पिरोने के काम में रहे उन्होंने महत्वपूर्ण मसलों पर हस्तक्षेप किया तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा में अगर कुछ सदस्यों के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो उसमें अंबेडकर सर्वप्रमुख थे और चूंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तो इस कारण से उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी और इन्हीं सब योगदानों के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने बाद में हिंदू कोड बिल के मसले पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर से उन्नीस का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से भी हार गए उन्नीस में अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बने हिंदू कोड बिल के मसले पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे कि वो किस तरीके से एक विषय के रूप में आया जहाँ अम्बेडकर ने हिंदू महिलाओं के अधिकारों के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जिसका विरोध हिंदू दक्षिणपंथी ताकतों के द्वारा किया गया और आखिरकार अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा लेकिन अगर हम उनके जीवन को देखें तो वो अंतरिम जो सरकार थी उससे कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं फिर पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं वहाँ वो हारते हैं पर वो जल्दी ही राज्यसभा में चले जाते हैं फिर उन्होंने भंडारा से उन्नीस के उपचुनाव में आ, के माध्यम से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन यहाँ भी वो तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस पार्टी जीती उन्नीस में दूसरे आम चुनाव के समय तक अम्बेडकर की मृत्यु हो गई थी और उसके पहले आम्बेडकर ने यह घोषणा की थी तेरह अक्टूबर उन्नीस को कि वे भले ही हिंदू के रूप में पैदा हुए हों किंतु वे हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं और यह घोषणा जो वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि दलितों को सामान्य जलाशय से पानी पीने का अधिकार मिले लोग इसको स्वीकार करें मंदिरों में जाने दें जब वो लगातार इन चीज़ों की विफलताओं को देखते रहे तो उन्होंने उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने घोषणा की थी और अपने इस कथन का पालन करते हुए अपने मृत्यु से आ, कुछ समय पहले उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ उन्होंने कई प्रतिज्ञाएं भी कराईं जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे जिसमें प्रमुख प्रतिज्ञाओं में से 22 प्रतिज्ञाएं थीं इसमें हिंदू देवी देवताओं को नाम मानने और इस तरह की जो हिंदू रूढ़ी रूढ़ियाँ हैं या जाति जात पात है उससे खुद को मुक्त करने की बात उसमें सम्मिलित थी अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकों की बात करें तो उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रचुर लेखन जिसे कहा जा सकता है वो किया और उनकी कुछ किताबों का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उनका वांग में भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रकाशित है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा लेकिन उनकी कुछ पुस्तकों में से एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एम ए की थीसिस थी द एवोल्यूशन ऑफ़ प्रोविंशियल फाइनेंसिस इन ब्रिटिश इंडिया पी एच डी की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन डी एस सी की थीसिस एनालेशन ऑफ कास्ट उन्नीस सौ छत्तीस में लिखी गई विच वे टू इमेंसिपेशन फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये दो अलग अलग शीर्षक हो गए थे पहला थॉट्स ऑन पाकिस्तान और फिर पार्टीशन uh, पे इनका विचार था जो उन्नीस में किताब प्रकाशित हुई थी रानाडे गांधी एंड जिन्ना मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचल्स वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स कॉमनल डेड एंड द वे टू सॉल्व हुर दूधराज द बुद्धा एंड हिज धम्मा रिडल्स इन हिंदुइज़्मिक्सनरी ऑफ पाली लैंग्वेज द पाली ग्रामर वेटिंग फॉर अबीज़ा जो कि उनकी आत्मकथा मानी जाती है अ पीपल एट बे ये कुछ उनकी जो कृतियाँ हैं उसका मैंने आपके सामने एक तरीके से उल्लेख किया इसके अतिरिक्त भी उन्होंने काफ़ी प्रचुर मात्रा में लेखन किया और वो बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी और वो बहुत अद्भुत पढ़ाकू व्यक्ति भी थे जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने के बावजूद लगातार अध्ययन रहें आ, बहुत सारे मुद्दों पर वो अकादमिक तरीके से भी जूझते रहें अब आगे हम अंबेडकर की जाति उन्मूलन संबंधी विचारों पर बात करेंगे अंबेडकर और जाति के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया वो एक अद्भुत संघर्ष था और वो उनके पूरे जीवन के दौरान चलता रहा अगर हम देखें तो उन्नीस में जो उनका संघर्ष था वो महाड़ शहर में अछूतों को पानी लेने पर लगी रोक के खिलाफ संघर्ष था उन्होंने एक सत्याग्रह किया और इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संब, संबोधित किया और उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था की असमानता को रेखांकित किया इस व्यवस्था में हर किसी का स्थान जन्म से ही तय हो जाता है व्यक्ति चाह कर भी अपने स्थान को नहीं बदल सकता है ऐसा अम्बेडकर ने कहा उन्होंने यह कहा यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच खान पान विवाह एक साथ पानी पीने आदि पर प्रतिबंध लगाती है उन्होंने कहा कि उच्च जाति के लोग चवादार लेक से अछूतों को पानी नहीं देना चाहते हैं इसका कारण यह है कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन लोगों को अपने बराबर मान लेंगे जिन्हें पवित्र परंपरा में उनसे निम्न माना गया है इस अवसर पर आम्बेडकर ने यह घोषणा की कि हम इस तालाब पर इस बात का दावा करने जा रहे हैं कि हम भी अन्य लोगों की तरह मनुष्य हैं यह बात साफ हो जानी चाहिए कि इस बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि समानता की एक मा, की एक मानव मानवता को स्थापित किया जा सके उन्होंने अछूतों के संघर्ष को 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में लोगों के द्वारा निरंकुश शासन के खिलाफ किए गए संघर्ष के बराबर माना इस संदर्भ में उन्होंने जातियों के बीच होने वाले वैवाहिक संबंधों को सबसे महत्वपूर्ण माना आम्बेडकर ने जातियों के बीच विवाह आपसी खान बान और सामाजिक अंतर क्रिया को बढ़ाने पर जोर दिया उनके अनुसार यदि ऐसा नहीं होता है तो ना तो अस्पृश्यता को खत्म किया जा सकता है और ना ही समानता की स्थापना की जा सकती है आम्बेडकर ने इस बात पर बल दिया कि ब्राह्मण कभी भी जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि जाति व्यवस्था से उनकी सर्वोच्च स्थिति कायम रहती है वे मानते हैं कि जाति व्यवस्था के लिए ऐसा काम करेंगे जिसकी कोई उम्मीद नहीं है यानी कि वे जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कोई काम करेंगे ऐसी उम्मीद अंबेडकर को नहीं थी उनके अनुसार दलित दलितों को अस्पृश्यता को खत्म करने और समानता को स्थापित करने का काम करना पूरा करना पड़ेगा उन्होंने यह कहा कि दलित अस्पृश्यता के कारण ही गरीबी का सामना कर रहे हैं अंबेडकर ने अपने इस अभियान को सामाजिक क्रांति की शुरुआत की संज्ञा दी उन्होंने इस पूरे अभियान में शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने पर बल दिया लेकिन उन्होंने आंदोलन के शांतिपूर्ण होने की जिम्मेदारी इसके विरोधियों पर भी डाली अर्थात इसके विरोधी हिंसक तरीकों का उपयोग करते हैं तो दलित मजबूरन अहिंसक तरीके का उपयोग नहीं करते यहाँ यह विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह अहिंसा यह के बारे में अंबेडकर के विचारों को भी सामने ले आता है अंबेडकर मुख्य रूप से कानून के शासन के हिमायती थे और बाद में संविधान सभा में भी वो इस बात पर बार बार जोर देते हैं आ, लेकिन आ, उनकी जो अहिंसा की बात थी जिस रूप में गांधी उसको प्रस्तुत करते थे एक आत्मिक बल के रूप में और जिस रूप में गांधी इसके प्रति अपनी आस्था जताते थे कि हर स्थिति में अहिंसा को अहिंसा का, का पालन किया जाना चाहिए अंबेडकर उसे इस रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं उनका यह कहना है कि वो जो भी आंदोलन चला रहे हैं वह मोटे तौर पर शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा उसमें किसी भी व्यक्ति पर जो विरोधी है उस पर हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा आंदोलनकारियों के द्वारा लेकिन वो यह भी कहते हैं कि यदि कोई विरोधी यानी कि उच्च जाति का व्यक्ति हिंसा का प्रयोग करता है तो जो आंदोलनकारी हैं जो दलित लोग हैं मोटे तौर पर वो इस रूप में अहिंसा का पालन नहीं करेंगे कि उनके विरोधियों के द्वारा उन्हें मारा जा रहा है और वो चुपचाप इसे सहन करें तो इस लिहाज से उनका यह कहना था कि मुख्य रूप से जो भी विरोध प्रदर्शन है जो भी आंदोलन है वह शांतिपूर्ण होना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण होने का अर्थ जो मजबूत लोग हैं जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उनके दमन का उनके बल प्रयोग का चुपचाप सहना नहीं है तो यहाँ पर हम गांधी और अंबेडकर के अहिंसा के लेकर जो उनकी चिंताएं हैं उनमें एक पृथकता एक अलगाव देख सकते हैं बाद के दौर में अंबेडकर ने जाति उन्मूलन के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से विचार किया दिसंबर 1935 में उन्हें जात पात तोड़क मंडल द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में संबोधन के लिए लाहौर बुलाया गया था यह संगठन हिंदू धर्म में सुधार के लिए काम करता था इसने अंबेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन के लिए बुलाया था लेकिन बाद में वहाँ के रूढ़िवादी तत्वों ने काफ़ी विरोध किया और उसके कारण सम्मेलन स्थगित हो गया बाद में अंबेडकर ने इस सम्मेलन में लिखे गए अपने संबोधन को प्रकाशित किया यह उनकी सर्वप्रसिद्ध कृति बन गई इसका शीर्षक है एनिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि आज भी जाति का समर्थन करने वाले लोग मिल जाते हैं उनके अनुसार लोग इसका समर्थन यह कहते हुए करते हैं कि हर समाज में श्रम विभाजन की एक व्यवस्था होती है इसलिए जाति व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है अंबेडकर कहते हैं कि इसमें श्रमिकों को बिल्कुल ही अपरिवर्तनीय खानों में बांट दिया जाता है ऐसे किसी भी सभ्य समाज की निश... ऐसे व्यवस्था को किसी भी सभ्य समाज की निशानी नहीं माना जा सकता है इसमें श्रमिकों का पक्षोपान और श्रेणीकरण सुनिश्चित होता है यानी कि जो भी जिस जाति में जन्म लेता है वह तो पूरे जीवन भर के लिए वहाँ फिक्स्ड हो जाता है और उसी रूप में उसकी स्थिति तय होती है अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो हमेशा से ही उसको सामाजिक रूप से उच्च स्थिति मिल जाती है और वहीं किसी दूसरे बच्चे का जन्म दलित परिवार में होता है तो हमेशा से ही वह सामाजिक रूप से निम्न स्थिति में हो जाता है तो इसलिए यह कहना बहुत भोलापन है कि जो जाति व्यवस्था है वो श्रम के विभाजन का एक औजार भर है या एक माध्यम भर है बल्कि यह एक अस्थाई पद सोपान या श्रेणीकरण की व्यवस्था है जाति विभाजन अंबेडकर के अनुसार प्राकृतिक नहीं होता है वे कहते हैं कि इसमें व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता पर ध्यान नहीं दिया जाता यह पूरी तरह से जन्मजात होता है जाति विभाजन लोगों के पास आनुवांशिक रूप से जाति के आधार पर मिले कामों को बदलने की अनुमति नहीं देता है अंबेडकर इस देश के अधिक इसे देश के अधिकांश बेरोजगारी का कारण भी मानते हैं जाति व्यवस्था ने कुछ निम्न कार्यों को कुछ खास जातियों तक तो सीमित कर दिया है अम्बेडकर जाति व्यवस्था को एक आर्थिक संगठन के रूप में बहुत ही नुकसानदेह संस्था भी मानते हैं अम्बेडकर के अनुसार यह कहना भी गलत है कि जाति व्यवस्था ने एक तरह की रक्त की शुद्धता कायम रखी है रक्त की शुद्धता पर वापस आने से पहले अंबेडकर के इस पहलू पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ वो ये कहते हैं कि जाति ने बेरोज़गारी को कायम रखा है और आर्थिक संगठन के रूप में भी यह नुकसानदेह संस्था है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जाति के कारण समाज का एक बड़ा तबका यह मान कर चलता है कि बहुत तरह के जो काम हैं वो उसके करने लायक नहीं हैं उसका काम जाति के हिसाब से मिसाल के तौर पर अगर वो ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ है तो शारीरिक श्रम करने से वो दूर भागेगा अगर वो क्षत्रिय के रूप में पैदा हुआ है तो कुछ अन्य तरह के कार्य ऐसा आम्बेडकर मानते हैं वह नहीं करेगा वैश्य भी को भी बहुत सारे कार्यों में प्रतिबंध लगा होगा और दलितों को भी एक खास तरीके से समाज से बाहर रहते हुए काम करना पड़ेगा इस लिहाज से हर किसी की जाति उसके काम से जुड़ी हुई है वो उससे अलग हट कर कोई काम कर नहीं सकता है तो यह उसके लिए बेरोजगारी का कारण बन जाता है या समाज में जो प्रोडक्टिविटी है जो उत्पादकता है उसको कम करता है तो वो इस लिहाज से जाति को गलत मानते हैं और कई बार सामाजिक रूप से यह तर्क किया जाता है कि जाति व्यवस्था अच्छी इसलिए है कि क्योंकि इससे रक्त की शुद्धता कायम रहती है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आज के दौर में भी जो इस बात को काफ़ी गर्व से कहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसमें किसी विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं हुआ है इस संदर्भ में अम्बेडकर डी आर भंडारकर के शोध आलेख और फॉरेन एलिमेंट इन द हिंदू पॉपुलेशन का उदाहरण देते हैं उन्होंने विभिन्न जातियों को अलग अलग नस्ल मानने के विचार को भी खारिज किया उनके अनुसार नस्लीय रूप से मद्रास के ब्राह्मण और पंजाब के ब्राह्मण में कोई समानता नहीं है नस्लीय रूप से पंजाब का ब्राह्मण पंजाब के दलित या अछूत के निकट है अम्बेडकर मानते हैं कि जाति ने हिंदुओं को विसंगठित और आत्मबलहीन कर दिया है उनके अनुसार हिंदू समाज एक मिथक है यह नाम भी खुद मुस्लिमों के द्वारा दिया गया है ऐसा अंबेडकर मानते हैं उनका कहना है कि यह या शब्द यानी कि हिंदू किसी भी स्थान पर नहीं मिलता है हिंदू समाज का कोई अस्तित्व नहीं है यश्विनी जातियों का यह विभिन्न जातियों का समूह है प्रत्येक जाति में अपने अस्तित्व की अलग चेतना है हिंदू मुस्लिम दंगा होने पर ही किसी जाति में हिंदू की चेतना उभरती है और अगर हम अंबेडकर के इस वर्णन को देखें तो काफ़ी हद तक ये मौजूदा समय की स्थिति को भी बयां करती है कि किस तरीके से लोग जाति के आधार पर संगठित होते हैं हालांकि उसके बरक्स हिंदू पहचान की राजनीति भी आरोपित करने की कोशिश की जाती है काफ़ी हद तक वो सफल भी होती है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जाति के आधार पर मौजूद विभेद को जाति के आधार पर मौजूद एक दूसरे के प्रति थोड़े अलगाव की भावना को पूरी तरह से ख़त्म कर पाती है तो अंबेडकर इस तरीके से हिंदू व्यवस्था की के बुनियाद पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं कि यह एक मिथक के रूप में है असल में यह विभिन्न जातियों का समूह है और शायद जातियों के बाद उपजातियों का समूह भी है लेकिन अंबेडकर जातियों के समूह होने पर ज़्यादा जोर देते हैं उनका कहना है कि जाति व्यवस्था तथाकथित हिंदुओं के बीच शाखा गतिविधि की संभावना को रोकती है यानी कि वो सामूहिक गतिविधि नहीं कर पाते हैं हिंदुओं के साहित्य में जाति की उत्पत्ति का आख्यान मिलता है इसमें एक जाति की उत्पत्ति पवित्र और दूसरी जाति की उत्पत्ति और ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और कई बार दूसरी जातियों की उत्पत्ति को अपवित्र भी माना जाता है और जातियाँ अलग अलग उपजातियों में विभाजित हैं इस तरह हिंदू अलग अलग जातियों का जमवाड़ा ही नहीं है बल्कि यहाँ विभिन्न जातियाँ आपस में संघर्ष भी कर रही हैं अम्बेडकर कहते हैं कि जाति की बुनियाद पर अब किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हो सकता है आप राष्ट्रीय नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते हैं और इसके बाद वे जाति के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव देते हैं इनका यह मानना है कि उपजातियों को ख़त्म करके जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जा सकता है यानी कि उपजातियों का अर्थ यह है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वे यह कहते हैं और वो जातिगत एक जाति पर आधारित संगठन बनाते हैं और उस संगठन में उनकी कोशिश ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर वो ब्राह्मणों का संगठन है तो हर प्रकार के ब्राह्मण एकजुट हों वो एक दूसरे की भलाई करें एक दूसरे का ख्याल रखें या फिर और किसी जाति का संगठन है तो वहाँ पर वो अपनी उपजातियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ इसके आधार पर आप जाति को ख़त्म नहीं कर सकते हैं जातियों का सहभोज भी जाति व्यवस्था को खत्म करने का अपर्याप्त उपाय है सहभोज का मतलब यह है कि ऐसे स्थान तैयार किए जाएं, ऐसे मौके तैयार किए जाएं, जहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बैठें साथ भोजन करें वहाँ पर उनकी बातचीत हो और इससे भी यह माना जाता है कि जाति की दीवार काफ़ी हद तक टूट सकती है अंबेडकर अपनी इस पुस्तिका में अभी अंतर जातीय विवाह को जाति व्यवस्था को खत्म करने का अचूक साधन मानते हैं उनका यह कहना है कि उन कि जब तक अंतर विवाह नहीं होगा यानी कि रोटी बेटी का संबंध जिसे आम भाषा में कहा जाता है तब तक जाति व्यवस्था की बुनियाद पर चोट नहीं पहुंचेगी और अगर हम अंबेडकर के सुझाव को देखें तो इसका एक बुनियादी अर्थ यही है कि अलग अलग जातियों के लोग आपस में विवाह करें और इस स्थिति में धीरे धीरे करके अगर एक पीढ़ी तक भी लोग ऐसा बड़े पैमाने पर करते हैं तो धीरे धीरे करके जातिगत उच्चता और जातिगत निम्नता की भावना काफ़ी हद तक कमजोर हो सकती है और इसमें अगर जो दलित हैं अगर दलित लड़के का विवाह किसी उच्च जाति के लड़के से या उच्च जाति के लड़की के विवाह किसी दलित लड़के से होता है तो धीरे धीरे करके समाज के भीतर जो एक जाति के आधार पर अपने आप को उच्च मानने या किसी दूसरी जाति को निम्न मानने की भावना है वह कमज़ोर हो सकती है हालांकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है या नहीं आगे हम इस पर विचार करेंगे इनका यह मानना है कि उन शास्त्रों की पवित्रता पर विश्वास को खत्म करने की ज़रूरत है जो जाति व्यवस्था को पवित्र बता देती हैं और इस लिहाज से वो ये कहते हैं कि और हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने जिनमें कि जाति व्यवस्था की पवित्रता की बात कही जाती है तो अंबेडकर उनको प्रश्नांकित करने की बात करते हैं और इस संदर्भ में वे महात्मा गांधी की कोशिशों को सीमित कोशिशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये एक अलग आलोचना है पर उस पर आगे बढ़ने से पहले अगर हम एनिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत विचारों पर ध्यान दें तो यहाँ वो जाति की ज़्यादा व्यवस्थित आलोचना प्रस्तुत करते हैं और वो जाति से जुड़े तमाम तरह के तर्कों को नकारते हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो जाति व्यवस्था है वह एक ऐसी व्यवस्था है जो कि एक आर्थिक प्रबंधन के लिए बेहतर है लोगों में काम का विभाजन होता है इसके विपरीत वे तर्क देते हैं यह आर्थिक रूप से अनुपयोगी है इसके कारण लोगों को या समाज को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी का काम वो कर पाते हैं बाहर वो काम दूसरे काम कर नहीं पाते हैं तो उत्पादन जो है वो काफ़ी घटता है वे इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि जो जाति है वो नस्ल शुद्धता या रक्त की शुद्धता को बनाए रखती है और वो बहुत अलग अलग तरह के रिसर्च के माध्यम से दिखाते हैं कि असल में यह एक मिथक है और आ, क्योंकि हर जो जाति है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई जो दूसरी जाति का रक्त या विदेशी जाति का रक्त जरूर सम्मिलित हुआ है अतीत के पूरे आख्यान को अगर हम देखें और कुछ एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े रिसर्च पर भी जाएं तो उनकी बात सही लगती है तीसरे स्तर पर वो यह मानते हैं कि जो हिंदू धर्म का पूरा एक ताना बाना या एक पूरा पूरी तस्वीर तैयार की जाती है अंबेडकर उसकी तीखी आलोचना करते हैं और उसे वो सिर्फ़ एक मिथक की संज्ञा देते हैं उनका या यह कहना है कि ये सारी चीज़ें यानी कि जो अलग अलग जातियां हैं और उपजातियां हैं इनकी मौजूदगी असल में हिंदुओं को काफ़ी विखंडित करती है उनमें आपस में संवाद नहीं होता है एक अलग तरह की होड़ होती है एक अलग तरह का खिंचाव होता है और वो ये कहते हैं कि सिर्फ दंगे होते हैं तभी हिंदुओं को ये याद आता है कि वो हिंदू हैं और वो मुस्लिमों के खिलाफ खुद को गोलबंद करते हैं तो ये इस तरह की जो एक व्यवस्थित आलोचना अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत की गई है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वो इसके लिए एक आगे का रास्ता बताते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज में है और वो अंतर विवाह नहीं करता है तो सिर्फ उसका उपहास उड़ाने से आप जाति व्यवस्था का मुकाबला नहीं कर सकते हैं बल्कि उसके लिए आपको सहभोज को प्राथमिकता देनी होगी आपको जाति को तोड़ने के अलग अलग रास्ते देखने होंगे लेकिन जो सबसे प्रमुख रास्ता अंबेडकर के हिसाब से हो सकता है वह रास्ता है अंतर जातीय विवाह का और इसके पक्ष में वो लगातार तर्क देते हैं अपने पहले के संबोधनों में भी उन्होंने इस पर जोर दिया था और अपनी इस पुस्तक एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी वे इस पर जोर देते हैं हालांकि व्यवहारिक स्तर पर हमेशा ही यह बात जाति को कमज़ोर करती है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो हिंदू समाज की पूरी एक संरचना है उसमें हम यह देखते हैं कि आमतौर पर जो लड़का होता है उसके हिसाब से एक वंश को आगे बढ़ता हुआ माना जाता है और बहुत सारे जो परिवार हैं वो इस तरह के विवाह को स्वीकार करने के बावजूद जाति व्यवस्था में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और वो यह प्रयास करते हैं कि उनके भीतर जो जाति गर्व की भावना है वो लगातार बनी रहे उनके जाति के लोग उन्हें खुद से जुड़ा हुआ मानते रहें तो ये एक गारंटी के रूप में सामने आया है ऐसा खुलकर नहीं कहा जा सकता और ये बात भी है कि अभी भी हालांकि आम्बेडकर की इस पूरे समाधान को माने तो शायद यह कहना सही होगा कि अगर समाज में व्यापक रूप से ऐसी चीज़ हो तो एक बदलाव दिख सकता है अभी चुनिंदा रूप से ही ऐसी चीज़ें दिखती हैं बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में हम कह सकते हैं कि लोग अंतर विवाह की तरफ जा रहे हैं लेकिन यह एक सामान्य परिघटना बन चुकी है हर कोई ऐसा कर रहा है या बहुमत के लोग ऐसा कर रहे हैं बहुमत के हिंदू ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है तो ये हो सकता है कि जो अंबेडकर का कहना है कि अगर पूरे समाज के स्तर पर यह परिघटना हो और लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन साथी का चयन करें अंतर जातीय विवाह करें तो जाति व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है या उसका उन्मूलन हो सकता है तो इस संदर्भ में वो एक दिशा बताते हुए नजर आते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हमें समझने की आवश्यकता है वह यह कि गांधी के प्रति अंबेडकर की आलोचना लगातार चलती रही और उन्होंने हालांकि पूना पैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने पूना पैक्ट को स्वीकार किया था और बाद में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पूना पैक्ट को उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें यह डर था कि जो लोग हैं वो दलितों के पर हमला भी कर सकते हैं और बाद में उन्नीस उन्हों में उन्होंने एक किताब लिखी वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स इसमें उन्होंने कांग्रेस और गांधी के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों की सीमाओं को दिखाया और ये दिखाया कि इन प्रयासों में ईमानदारी की भी काफ़ी कमी रही है मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि गांधी ने जिस रूप में अछूत छुआछूत को ख़त्म करने की कोशिश की उस कोशिश को उनके खुद के शिष्यों ने पूरी तरीके से नहीं माना और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद गांधी ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया यानी कि वो कभी भी इस बात के लिए आमरण अनसन पर नहीं बैठे कि अगर छुआछूत खत्म नहीं होगा तो मैं अपनी जान दे दूँगा हालांकि वो पूना पैक्ट में वो पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ उन्होंने इस तरह का आमरण अनशन किया था और अंबेडकर का यह मानना है कि गांधी को असल में हिंदुओं का समर्थन चाहिए था जो उच्च जाति के हिंदू हैं या जो गैर अछूत हिंदू हैं उनका समर्थन चाहिए था तो उस समर्थन के लिए वो कोई भी काम इस सीमा तक जाकर मिसाल के तौर पर छुआछूत को खत्म करने या जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम वो इस सीमा तक जाकर नहीं कर सकते थे कि उनके जो हिंदू समर्थक हैं वो उनसे नाराज हो जाएं तो यह जो एक मजबूरी थी उसने भी एक तरफ गांधी को लगातार दलितों के हित में काम करने के लिए एक कुछ बातों ने प्रेरित किया लेकिन वो कई बार वो दिखावे के स्तर तक ही रह गया उसमें पूरी ईमानदारी नहीं आ पाई तो इस रूप में और कई अन्य तर्कों और उदाहरणों के द्वारा अम्बेडकर लगा ने गांधी की पूरी आलोचना की है लेकिन जब हम महात्मा गांधी के बारे में बातचीत कर रहे थे तो वहाँ मैंने इस बात का उल्लेख किया था और यहाँ भी इस बात का उल्लेख करना सही होगा कि जो दलित और जाति का प्रश्न है उसमें गांधी और अंबेडकर दोनों ही अपने अपने तरीके से जूझ रहे थे और अंबेडकर का यह कहना सही है कि गांधी की जो चिंता थी वह अंग्रेज़ों से संघर्ष के रूप में थी और उसमें वो एक साझा या एक बड़े मंच के को लेकर संघर्ष कर रहे थे लेकिन बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं मिसाल के तौर पर निशिकांत कोलगे और डी आर नागराज इन्होंने इस बात पर जोर दिया इस बात को रेखांकित किया है कि असल में जो आ, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर थे वो दोनों ही अपने अपने तरीके से आ, दलितों की भलाई के लिए और जाति के विनाश के लिए काम कर रहे थे मिसाल के तौर पर आ, गांधी का जोर इस बात पर था कि जो जाति व्यवस्था है और खासकर पर जो अस्पृश्यता है उसमें दलितों का कोई दोष नहीं है बल्कि यह हिंदुओं की कमी है उच्च जाति और गैर अछूत जातियों की कमी है तो उन्हें खुद को सुधारने की ज़रूरत है अंबेडकर पूरे तर्क को यहीं तक सीमित करने के पक्ष में नहीं थे उनका यह कहना था कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है और उस पर भी बातचीत होनी चाहिए गांधी जो थे वो यह मान कर चलते थे कि जब तक तो पूरा समाज सक्रिय नहीं होगा इस तरह की बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है और बाद में अंबेडकर को भी इस बात का एक एहसास हुआ और दूसरी चीज़ ये है कि गांधी आत्मशुद्धि पर जोर दे रहे थे और ये डी आर नागराज मानते हैं और गांधी का अंबेडकर का जो आत्मसम्मान पर था पर नागराज कहते हैं कि बाद में दोनों इस विचार के पहलू को धीरे धीरे अपनाने लगे और गांधी भी जाति के खिलाफ अपने संघर्ष में ज़्यादा रेडिकल हुए और अंबेडकर ने भी जो सांस्कृतिक पहलू थे उनके महत्व को समझा तो इस लिहाज से बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि दोनों अपने अपने तरीके से इस चीज़ पे जूझ रहे थे निश्चित रूप से अंबेडकर के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था सबसे बुनियादी सवाल था तो उनके संघर्षों में ज़्यादा तीखापन दिखता है ज़्यादा समर्पण दिखता है गांधी में इस प्रश्न को लेकर समर्पण की कमी थी शायद ऐसा कहना उनके साथ गलत हो सकता है लेकिन यह बात ज़रूर है कम से कम यह बात ज़रूर है कि उनकी चिंता चिंताएं थोड़ी ज़्यादा व्यापक थी वो देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे तो कई मौक़ों पर यह जो जाति का प्रश्न था वह उनके लिए आ, सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बन पाया अब अगर हम आ, इस पूरे वाद विवाद को समेटने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर का जाति उन्मूलन के सम से संबंधित विचार था वह लगातार प्रासंगिक होता गया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को प्रासंगिक बनाने में कांसीराम की राजनीति या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आ, अस्सी के दशक के आखिर से इनके विचारों पर ज़्यादा चर्चा होने लगी और एक भारतीय राजनीति के अपरिहार्य व्यक्तित्व के रूप में ऐसे व्यक्तित्व जिनको हर पार्टियाँ अप जिन पर अपनी दावेदारी करती हैं जिन्हें अपना मानती हैं ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अंबेडकर उभरे और लेकिन यह बात भी सच है कि जो जाति उन्मूलन के बारे में अंबेडकर का विचार था वह एक दूर के लक्ष्य के रूप में ज़रूर मौजूद है लेकिन वे दल भी जो अंबेडकर की विरासत को संभालने का दावा करते हैं उनका ज़्यादा जोर इस बात पर हो गया है अब ऐसा लगता है और यह अंबेडकर के विचारों के रेडिकल होने को भी दिखाता है और समाज के यथार्थ से थोड़े दूरी पर होने को भी कि जो उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले दल हैं वो भी इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो अस्पृश्य जातियाँ हैं दलित जातियाँ हैं उनका सशक्तिकरण हो राजनीतिक रूप से वो मजबूत हों और वो इतनी मजबूत हों कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी आए और वो एक हिस्सेदारी का जो प्रश्न है वो बार बार और मजबूती से सामने आता है इसका अर्थ यह नहीं है कि जाति इस प्रक्रिया से कमज़ोर नहीं हो रही है जब समाज के वंचित तबके डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जाति पर हमला हो रहा है पर जाति उन्मूलन का प्रश्न थोड़ी दूर की कौड़ी नज़र आती है और इसका कारण यह भी है कि समाज के सभी तबके खासतौर पर उच्च जातियाँ खुद को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हमें यह ज़रूर याद रखना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल के बाद के दौर में जो दो तीन दशकों के बाद जो राजनीति उभर कर सामने आई उस राजनीति में जो समाज के सबसे वंचित तबके थे उन्होंने अंबेडकर के लेखन को उनके विचारों को और उनकी राजनीति को अपने लिए एक मुख्य प्रेरक तत्व के रूप में माना अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दौर में यह कोशिश की थी उनकी उनका संवाद चल रहा था राम मनोहर लोहिया से कि वो एक साझा मंच बना पाएँ हालांकि इसकी इस बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई उनकी यह भी इच्छा थी कि वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक नए दल की शुरुआत करें जो दल बाद में बना लेकिन उनके जीवन काल के बाद तो ये जो कोशिशें अगर और कामयाब होती तो राजनीति पर और ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर का जीवन अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो समाज के वंचित तबकों को एक तरह से खुद को गोलबंद करने और जीवन में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है उनके लेखन में जो जाति की जो बुराई है उसका एक गहन विश्लेषण मिलता है उन्होंने जो अलग अलग समय पर भाषण दिए उसमें भी ये बातें आती हैं पर एनहलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से जाति के बारे में बातचीत की है उसके समाधान की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है और उसमें जिस रूप जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना की है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आलोचना ना सिर्फ तीखी आलोचना है बल्कि उसके साथ साथ हिंदू धर्म के कई परतों को या उसमें उससे जु, जुड़ी कई मुद्दों को भी वो स्पष्ट करती है कि जो जाति है वो एक व्यर्थ की संस्था के रूप में हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई है और अगर हिंदू धर्म को खुद को बेहतर बनाना है ज़्यादा व्यापक बनाना है तो उससे इससे अपना पिंड छुड़ाना ही होगा तो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई चर्चा के इस पहले एपिसोड को मैं यही विराम देता हूँ उम्मीद मेरी यह हो कि आप सभी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनके जीवन के बारे में उनके कार्यों के बारे में और जाति उन्मूलन से संबंधित उनके विचार और गांधी के साथ उनके वाद विवाद के बारे में एक समझ बना पाए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इनके बारे में और ज़्यादा आगे अध्ययन करेंगे आ, इस पूरे एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक चिंतक के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे नमस्कार